हेलो जी, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल नू सर्स दे रिएक्शन ते, जिथे मम्मा और मैं मिलके डेली कोई ना कोई नए टॉपिक ते वीडियोस बनाने आ, कदी इमोशनल बयान, कदी कॉमेडी, कदी स्टेज ड्रामास। तुसी साडी वीडियोस बहुत पसंद करदे हो। अजकल जिवें सब जानदे ने, रमजान दा टाइम है, बहुत ही पावन ए पाक दिन ने, ते क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक ते वीडियोस बनाई जान जो सब नू बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी लगन और अच्छियां भी लगन। ते आज जी जो वीडियो है वो है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मक्का, व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम्स इट वाज कंस्ट्रक्टेड। ते पूरी मक्का दे बारे सारी जानकारी, पूरा उता इतिहास और किन्नी वार और कदों इनू बनाया गया। ते चलो आज असी जानदे आ, ए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। कुछ ऐसे फैक्ट्स शायद असी ते बहुत ही घट जानदे आ इस टॉपिक ते, ते नॉलेज वधेगी। ते असी देखदे आ, अज तुसी भी देखो, असी भी देखदे आ। अगर तुसी हुण तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है ते पहले सबसक्राइब करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया, और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे, और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने सौ साल हो गए, और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है यानी बनाया जा चुका है, और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बरजद के चार खम्भों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है, मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, और ये सातवें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। यह आसमान वालों का क़िबला है, और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ,
ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ़ किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ मुँह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह से सबसे पहले ज़मीन की झाग पैदा हुई थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। उस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने पांच पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन पांच पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूद हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। हज़रत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा मट्टी उठाकर लाती और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगीं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया। जबकि कुछ मुफस्सरीन का ये कहना है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया। तो दोस्तों, खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अजाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊँचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफ़ान के बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया, इस वाक़े के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरों वीरान ज़मीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान ना था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफ़र किया। इसके बाद जब दूसरी बार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान से मिलने के लिए फ़लस्तीन से मक्का आए तो तब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का वाक़या पेश आया, और तीसरी बार जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए
तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पाँचवीं बार जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूँ, यानी इस घर को बनाऊँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों का निशान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, उस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें दिखने लगीं जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा को बनाने लगे। कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबल अबी कुबैस के कुएं से दो पत्थर मिले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए, उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मकाम इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें ऊंची होती जाती, वैसे वैसे वो पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, फिर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से दो पत्थर हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व ताला उनके नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा को पाँचवीं बार कौम अमालका और छठी बार कबीलाए जुरहम ने बनाया। कबीलाए जुरहम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे असगर था। खाना काबा को सातवीं बार बनाने वाले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक ख़ानदान में से एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत कुसा बिन कलाफ था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत बनवाई। दोस्तों, खाना काबा को आठवीं बार बनाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीलाए कुरैश की सरदारी के ज़माने में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत कमज़ोर हो गईं। तो एक मशवरे के बाद यह फ़ैसला लिया गया और खाना काबा को कबीलाए कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को नवी बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फ़ौज की पत्थरबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमज़ोर हो गईं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने हतीम काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की दसवीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना काबा को गिराने का फ़ैसला किया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीक़ेकार रहा तो हर आने वाले हुक्मरान मशहूर होने के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान
मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हजरे अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हज्जाज के जैसा तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे मरमर से चूना में चुनी गई और बहुत ही कीमती और रेशमी काले रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमाए तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खाना काबा है वो कमोबेश 404 साल पुरानी है क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आज जो से जो वीडियो देखी है खाना काबा बारे की किस तरह किन्नी किन्नी वार बनाया गया बनी हाँ, और किस तरह उन्होंने मरम्मत करवाई बिचे या पूरा बनाया गया किना किना ने बनाया कदों कदों बनाया पूरी एकदम डिटेल्ड वीडियो सी वीडियो और मेन अच्छा सी कि विजुअल्स बहुत अच्छे सी नाल जो दिखा रहे सी चाहे वो एक्चुअल पिक्चर्स नहीं ने लेकिन एक दिखान वास्ते समझान वास्ते समझान दा तरीका बहुत अच्छा सी और जिन्होंने ये वीडियो बनाई है वो बता भी बहुत आराम नाल रहे सी कोई भी ऐसा नहीं सी कोई पॉइंट मिस हो जाए ते बहुत ही कह रहे डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सी जो सानू समझ चाहिए और पहली बार सी इन्हें हैरान कर देने वाले तथ्य सानू पता चले पता लगे कि मक्का कितनी बड़ी तूफान आया था देखो एकदम खत्म हो गया तूफान से ते बिल्कुल ऐ बिल्कुल हैरान करने वाली चीजा सी जो सी आज सानू पता लग्या ते आई होप तुहानू सबनू पता होएगा कुछ लोग साडे वर्गे भी होंगे जिन्होंने नहीं पता होएगा ते तुहाडे लई ए वीडियो बहुत ही इनफॉर्मेटिव होएगी अगर तुहानू ए वीडियो जरूर बैठ के सुनो सारे सही गल है सबनू ए नॉलेज होनी चाहिए है अगर तुहानू ए वीडियो अच्छी लगी है साडा रिएक्शन भी पसंद आया है ते वेट किस गल दा है फटाफट इस वीडियो नू लाइक करो शेयर कर दो सब नाल क्योंकि ए अच्छी इन्फॉर्मेशन है सब तक पहुंचनी चाहिए सब नू पता होना चाहिए मक्का दे इतिहास पूरा दस्या उन्होंने एक एक चीज अजकल दे बच्चे नू नहीं पता हाँ देखेंगे तो उन्होंने कुछ नॉलेज होगी बिल्कुल ते जरूर देखना सब नू दिखाना चैनल नू सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना जी सत श्री अकाल।